मकाब्र कहानी। बोल काका, तू की जाना है? बाबा जी एक कदर रिश्ता। रिश्ता? बाबा जी मेरा इशारा तुहाडे कारण नहीं। मेरा झड़ यार पे मेटे रंग रंगिया रमा झड़ यार। तो मन क्या से मैं खुद आवांगी, तेली मक्खन लेके आवांगी, गंदा साग लेके आवांगी। अगर ये चीजें नहीं मिलिया तो छोले दाल तड़का ला लिया दी। माफ कर रहा, मैं जरा जज्बाती ज्यादा हो गया सा। इतना क्यों नहीं कहते थे कि हम गरीब लोग हैं? लेकिन ये मत भूलिए सेठ साहब, गरीब के सीने में भी दिल होता है। जब मकी ही नहीं रहे तो मकान ने कहां बरकरार रहना था? जरीफ, मुनव्वर जरीफ, मजीद जरीफ, मुनीर जरीफ, इनके बाद उनके अहले खाना ने ये मकान बेच दिया और आज उस मकान की जगह एक प्लाजा यहाँ तामीर होने जा रहा है। निकलसन रोड टैगोर पार्क में वाके कॉमेडी किंग मुनव्वर जरीफ का आबाई घर, ये आबाई घर अब यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन मुनव्वर जरीफ के वालिद अब्दुल हक के दोस्त चौधरी इशफाक अहमद से पूछते हैं कि उन्होंने ये घर इधर तामीर होते देखा और इसके मकीनों को भी देखा। चौधरी साहब, आप बताएं कि मुनव्वर जरीफ और जरीफ मरहूम के वालिद के साथ आपका क्या ताल्लुक था? मेरा कारोबार था इधर, वो मेरे पास आकर बैठा करते थे अक्सर। वो मेरे बुज़ुर्ग दोस्त थे तो बड़ी मोहब्बत के साथ, क्योंकि वो दीनी इलम भी रखते थे और दुनियावी इलम भी रखते थे। इल्म मारफत की बातें आम उनसे होया करती थी, इसलिए वो मेरे दोस्त थे। मुनव्वर जरीफ की वफात के बाद वो क्या महसूस करते थे? परेशान तो बहुत रहते थे मगर साबर आदमी थे, सब्र करने वालों में से। शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ के बारे में माया नाज कॉमेडियन अमानुल्ला ने कभी कहा था कि जो मकाम शायरी में गालिब को हासिल है, मुनव्वर ज़रीफ कॉमेडी में वही मकाम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में रखता है। मुनव्वर ज़रीफ बहुत सारे अदाकारों के उस्ताद रहे हैं, मगर मुनव्वर ज़रीफ एम्प्रेस रोड लाहौर पर वाके मुस्लिम लीग हाई स्कूल में बतौर शागिर्द ज़ेरे तालीम रहे। मुनव्वर ज़रीफ का असल नाम मोहम्मद मुनव्वर था, उनके वालिद का नाम अब्दुल हक था। अब्दुल हक रेलवे मुलाजिम थे और महकमा रेलवे की ड्रामेटिक क्लब के मजाहिया अदाकार भी थे। मुनव्वर ज़रीफ के बड़े भाई का नाम मोहम्मद सदीक था, जो ज़रीफ के नाम से फिल्मों में जाने माने जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पाटे खा तू? उकड़ो हो, उकड़ टुकड़ उकड़ टुकड़ तेरे पादा बोटा मुकड़। अबे मेरा जनाजा ताजा ताजा इथे होना है। दादू हसना है ते तू उड़ाए खाकरेन खासाए। ज़रीफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले मजाहिया अदाकार और सुपरस्टार थे। मुनव्वर ज़रीफ़ की बेगम का नाम बल्कीस बानो था। बल्कीस बानो
मजहबन ईसाई थीं। उनका नाम मेलबा था। मेलबा ने मुनव्वर ज़रीफ़ से शादी से कबल इस्लाम कबूल किया। बल्कीस बानो से मुनव्वर ज़रीफ़ की 3 औलादें थीं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। मुनव्वर ज़रीफ़ की पहली फिल्म का नाम डंडियां था। डंडियां 14 जून 1961 में रिलीज हुई। मुनव्वर ज़रीफ़ की अहम फिल्में चन मखना, दिया और तूफ़ान, इश्क न पूछे ज़ात, धी रानी, जुल्म द बदला, पर्दे में रहने दो, बात पहुंची तेरी जवानी तक, मंजी किथे ढावा, हीर रांझा, मस्ताना माही, मलंगी, शरारत, जिगरी यार, जिद्दी, दामन और चिंगारी, जीनत, ताजमहल, मिस हिप्पी और बहारो फूल बरसाओ। मुनव्वर ज़रीफ़ ने जिन फिल्मों में टाइटल रोल्स किए उनके नाम कुछ यूँ थे: अजदा माहीवाल, बनारसी ठग, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़, खुशिया, जीरा ब्लेड, तोता चश्म, बंदे दा पुत्तर, पाटे खां, नौकर वोटीदा, चक्करबाज, ईमानदार, शीदा पिस्तौल, हुक्म दा गुलाम, जानू कपत्ती, किल किल मेरा ना, हीरा फुम्मन, सच्चा झूठा, उस्ताद शागिर्द और बदतमीज। मुनव्वर ज़रीफ़, रंगीला और नन्ना। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने कॉमेडी के हवाले से 3 बड़े नाम पैदा किए। नन्ना अपने चेहरे के भोलपन से लोगों को हंसाता और रुलाता रहा। मतलब है जी, आज चौकीदार नु कह के तो मन स्टूडियो दे अंदर जान दे। ओए अंदर की जा करना, जा जाके तेरे कुल्फियां बेच। चल गरीब का मजाक ना उड़ाओ, मैंने मां ना आइसक्रीम करन दा बड़ा शौक है। की बनना चाहना? मैं भी कोई कॉमिक बन जाना, मखौलियां करांगा। ओए तू अंदर नहीं जा सकता। क्यों जी? और तू साडे गेट पे जाना। रंगीला जिस्मानी हरकत और सकनात को बुरुए कार लाता रहा। की देख ले, ए तेरी वालदा दी तस्वीर है। ओए अन्ने अरेछा, तेरिया अखां च कुकरे पए ने, ए तन्नू मेरी वालदा नजर आ गई। सरदे उहनां दी जवानी दी तस्वीर हो। ओए मेरी बेटी दी तस्वीर है। जबकि मुनव्वर ज़रीफ की अदाकारी में सर से लेकर पांव तक रिधम का शानदार अंसर पाया जाता था। और आपके वालिद? ऐसा हुआ, रेस कोर्स में वफात पा चुके हैं। जायदाद तो काफी छोड़ी होगी। जी हाँ, वो जायदाद तो बस, इंसान को तो बस 2 गज जमीन की जरूरत है। आप यकीन कीजिए, इनके वालिद मोहतरम मरते वक्त ये मिसरा गा रहे थे। 2 गज जमीन के बदले बराबरा नहीं, 2 गज मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म नौकर वोटीदा 1974 को रिलीज हुई, जबकि धर्मेंद्र की फिल्म नौकर बीवी का 1983 को मंजरेआम पर आई। फिल्म नौकर बीवी का नौकर वोटीदा का हू बहू चरबा थी। उसका हर शॉट, हत्ता के हर एक डायलॉग नौकर वोटीदा से चुराया हुआ था। एक खतरनाक डाकू। डाकू ने कैसे की लेना है? दौलत। चोर। चोर नहीं बुढ़िया, आफत की बुढ़िया। कहाँ है वो दीपा? खाली 3 का पीपा। टंटना टंटन। मुनव्वर ज़रीफ मस्कूरा फिल्म में किरदार निगारी के उरूज पर पाए गए। इसके बरक्स धर्मेंद्र पूरी फिल्म में ओवर एक्टिंग का शिकार नजर आए।
एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने मुनव्वर जरीफ को अपना पसंदीदा अदाकार करार देते हुए इकरार किया कि उन्होंने मुनव्वर जरीफ के पाए की अदाकारी करने की कोशिश ज़रूर की मगर वो उसमें कामयाब ना हो पाए। मुनव्वर जरीफ का फितरी अंदाज और बेसाख्तापन फिल्म बीनों के दिल में घर कर गया। डायलॉग डिलीवरी भी कमाल की थी। गानों की पिक्चराइजेशन में उनका स्टाइल इंतहाई मुनफरिद था। वो महज स्क्रिप्ट के ताबे ना रहते, अपनी तरफ से जुमले घड़ कर दाद हासिल करते। घबराइए नहीं, मैं अपोलो 16 का ड्राइवर नहीं हूँ, चांद से पत्थर लेकर नहीं आया। बेगम साहिबा जरा गौर से देखिए, मैं आपका खादिम मिर्ज़ा हूँ। मुनव्वर जरीफ की पहली सुपरहिट फिल्म हथ जोड़ी थी जो 4 दिसंबर 1964 को रिलीज हुई। जवान रिश्ता, सीरत फरिश्ता, जिस करावे चान हो जावे। ए बीबी दा नाल दाल पैणे यार अनगन, पर तेनू की तू बुढ़िया नु माल खवाई जा। उसके बाद मुनव्वर जरीफ ने पलट कर नहीं देखा और अपनी हर फिल्म में झुकतों और बेसाख्ता फिक्रों से लबरेज अदाकारी की। मैनू तका मारेगा ओ जलीला, मेरा बस नहीं चलिया, नहीं तो मैं ते तेनू पंगियां दा तोप दा गोला मारदा। इसी वजह से वो पंजाबी और उर्दू हर दो जबानों में बड़े मजाहिया अदाकार के तौर पर तस्लीम किए जाने लगे। बिजली दिल पर गिरी है, खाना बर्बाद कर दी, पर्दा गिर चुका है, पर्दा उठ भी सकता है, पर्दा फट भी सकता है, खुलना भी फट सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है, तुम्हारे बालक साहब भी आ सकता है। माँ की तबीयत बहुत नरम है। क्या बात कर रहे हो? रफ्ता रफ्ता उनकी शख्सियत को सामने रख कर फिल्में लिखी जाने लगी। अरे मेरी गोलगप्पी साहिबा, मैं ये क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू, यानी इनमें तो शर्मो हया नहीं है, ये आंसू कहाँ से आ गए? मुनव्वर जरीफ ने कुल 218 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिर क्या हुआ? दिल संभल अब चल, निकल तो इस जहां से, तेरी सोनी हो गई दुनिया, चल तो दूर यहां से। मुनव्वर जरीफ का कैरियर कामयाबी से रवां दवां था कि सन 1971 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जेरे इलाज रहने के बाद वो तंदुरुस्त भी हो गए और दोबारा फिल्मों में काम भी करने लगे, लेकिन काम की ज्यादती के बाइस 1975 में दोबारा बीमार हुए और इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए। कुछ अरसा उधर रहकर वापस लौटे और इस काबिल हो गए कि फिल्मों में दोबारा काम कर सकें। मुनव्वर जरीफ की डिमांड बहुत थी, इसलिए काम की ज्यादती की वजह से उनकी सेहत बतदरीज गिरती चली गई। वफात से महज 1.5 साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने चाहने वालों से अपील की कि वो उनकी फिल्म देखने के बाद इस तरह की बात ना किया करें कि टुट पैणे मुनव्वर जरीफ ने बड़ा ही हंसाया है, बल्कि इस जुमले की बजाय उनकी सेहत याबी के लिए दुआ मांगा करें। उस वक्त शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मौत का नकारा बजने को है। आखिरकार उनका वक्त आखिर आन पहुंचा। मुनव्वर जरीफ की वफात 1976 में हुई। उनकी आखिरी रसूमात टैगोर पार्क निकल्सन रोड में अदा की गई।
स्टूडियो की गहमा गहमी, रोशनियों की चकाचौंध, मेकअप की दबीस तहों के अलावा फिल्मी कैमरे के आगे डायलॉग्स बोलना और मुख्तलिफ किस्म की हरकत और सकनात के एक तवील और कामयाब सफ़र के बाद मुनव्वर ज़रीफ की मंजिल एक कब्र ठहरी, एक कब्र जो बीबी पाक दामन कब्रिस्तान में वाक़े है। फिल्मों में काम की ज्यादती के बाइस मुनव्वर ज़रीफ थकन से चूर हो जाया करते थे, मगर अमर वाकया ये है कि उन्हें सोने के लिए मुनासिब वक्त भी नहीं मिलता था। थक कर यूं ही पल भर के लिए आंख लगी थी, सोकर भी ना उठे ये इरादा तो नहीं था। मुनव्वर ज़रीफ को फिल्म बीनों ने ज़राफ़त का बेताज बादशाह करार दिया। आज उनकी कब्र के सिरहाने दिल से ये दुआ निकलती है, या रहीम ओ करीम, रोज़े महशर मुनव्वर ज़रीफ के सर पर बख्शिश का ताज सजा दे, क्योंकि उत्थे अमलां दे होने ने निबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी। मैं आयशा मुनव्वर ज़रीफ आप सबको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर रिस्पेक्टिंग एंड लविंग माय डैड मुनव्वर ज़रीफ सो मच। और हम दुनिया में कहीं चले जाएं, हमें इस कदर मोहब्बत और प्यार से देखा जाता है कि हम उनके बच्चे हैं, कि हम खुद जो दिल है इतनी मोहब्बत से भर जाता है। मेरे फादर ने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की, ही वॉज़ अ लेजेंड, और उनकी बहुत मूवीज थी अंकल रंगीला और अंकल नन्ना के साथ, और इनका सबका एक वो बहुत खूबसूरत ग्रुप था, और इतनी खूबसूरत मूवीज उन्होंने बनाई जिसमें से नौकर वोटीदा वन ऑफ माय फेवरेट्स, मंजी कितने डावा, जानों का पत्ती और बेशुमार मूवीज में उन्होंने बेहद खूबसूरत काम किया। कि बट आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट कि आई कुडंट सी माय डैड, आई वाज अबाउट 2.5 इयर्स ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे, और मैं अपने फादर की खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। अम्मी और दादी अम्मी से उनकी बातें पता चलती रहती थी, वो बताती थी कि ही वाज अ वेरी हम्बल पर्सन, पांच वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, जब नमाज का टाइम होता था बाकायदा पैकअप करवाते थे और नमाज पढ़ते थे। किसी को रुलाना बहुत आसान है मगर हंसाना बहुत मुश्किल। मैं अब आज भी कभी उदास हूं तो अपने फादर की मूवीज देखती हूं और मेरे माय मूड इज कम्प्लीटली चेंज। ही वाज अ ब्लेस्ड सोल, ही वाज अ लेजेंड, और उनकी इतनी खूबसूरत बातें हैं। उन्होंने इतनी बेवाओं के खर्चे लगाए थे, जब उनकी डेथ हुई तो जब वो डोर पे आए तो मेरी मदर और मेरी दादी अम्मी और फैमिली को पता चला इस बात का। अम्मी बताती हैं कि हर सर्दियों गर्मियों में वो यतीम खाने ट्रक्स भर भर के बच्चों के लिए कपड़े भिजवाया करते थे, और मैंने उन्हें देखा तो नहीं बट आई फील कि मैं उनका अक्स हूँ, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करती थी तो बिकॉज आई उनकी जारी सी बात है, हम बहन भाई में झलक नजर आती है, तो एयरपोर्ट पे स्टाफ रोक लेता था। एक दफा तो उन्होंने पूछा अम्मी से कि ये फिल्म स्टार रानी की बेटी है, उन्होंने कहा नहीं ये फिल्म स्टार रानी तो नहीं बल्कि मुनव्वर ज़रीफ की बेटी है। तो आप यकीन जानिए कि पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया एंड वी ऑलमोस्ट मिस्ड आवर फ्लाइट, और उन्होंने हमसे ऑटोग्राफ्स लिए एंड इतनी मोहब्बत के रियली रियली हैप्पी।
और मैं थैंक यू अदा करती हूँ उस पूरी टीम का जिन्होंने मेरे फादर को इतना प्यारा ट्रिब्यूट पेश किया है. और आई एम जस्ट थैंकफुल टू एवरीबडी आप सबकी मोहब्बत के लिए. ही वॉज अ ब्लेस्ड सोल. अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे. अस्सलाम वालेकुम. मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है. वो एक बहुत बड़े लेजेंड फनकार थे और ऐसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं. मैंने जितना भी उनके साथ काम किया है और जितना उनका काम देखा है, मुझे यूं ही लगता है कि वो अपने अंदर एक इंस्टीट्यूट थे. उन जैसा फनकार अब है नहीं इंडस्ट्री में. उनका नेमुल बदल कोई है वो ही नहीं सकता. वो एक लेजेंडरी फनकार थे और रहेंगे. मैं उनको बहुत पसंद करती थी, उनके काम को, और उनके अब भी मैं फिल्में बहुत देखती हूँ. और जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत यादें उनसे वाबस्ता हैं. वो एक खुश अखलाक बावकार शख्सियत थे. खुश शक्ल, खुश गुफ्तार, उनसे बातें करो तो घंटों बातों में वक्त गुजर जाता था और हमें उन अच्छा नहीं लगता था कि वो बातें ना करें और हंसाएं ना और सेट पे एक खुशगवार माहौल ना हो. तो उनसे बड़ी यादें वाबस्ता है मेरी. लेकिन बस वो हमसे बहुत जल्दी जुदा हो गए. मुनव्वर ज़रीफ साहब के लिए हम जितनी बातें कर लें, बहरहाल वो कम ही हैं. उनको ट्रिब्यूट देने का बेहतरीन तरीका यह है कि आज के फनकार उनके काम को देखें और सीखें और उनके लिए मगफरत की दुआ करें. शुक्रिया. मेरा नाम मोहम्मद कबीर खान है. मैं एक सीनियर अदाकार हूँ. आज मुझे मुनव्वर ज़रीफ, हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ, मशहूर, बेपनाह शोहरत याफ्ता, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अदाकार, सदाकार, इंतहाई अच्छे दोस्त, इंतहाई ख़ूबसूरत इंसान, और मैं क्या क्या कहूँ उनके बारे में कि उन्होंने मेरी बहुत उस वक्त मदद की जब मैं फिल्म बना रहा था और मेरी फिल्में कुछ अच्छी नहीं जा रही थीं. बग़ैर किसी वजह के एक दिन वो मेरे सेट पर आ गए और मैंने बाज़ार का सेट लगाया हुआ था. वो उस सेट पे उन्होंने मुझसे कहा क्या कर रहा है. मैंने कहा यार ये बाज़ार का एक सेट लगा है. तो उसने कहा मेरी दुकान लगा दे. और उसने ख़ुद ही अपनी दुकान लगा ली और वो नजूमी बनकर बैठ गया और वो नजूमी का वो सीन करके चला गया और वो सीन हिट हो गया और वो फिल्म भी हिट हो गई. उस फिल्म का नाम नीलाम था. फिर मैंने एक फिल्म बनाई बेईमान, जो मुझे रशेस देखकर पसंद नहीं आई. फिर मैं गया तो सेट पर दाढ़ी लगा कर लेटा हुआ था. मेरी शक्ल देखती उसने मुझे एक खूबसूरत सी जुगत की और फिर उसने कहा तू बहुत परेशान है. मैंने कहा हाँ परेशान हूँ, मेरा ख्याल ये फिल्म भी मेरी चलेगी नहीं. तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ. मैंने कहा तुम क्या कर सकते हो, तुम डे नाइट के मसरूफ अदाकार हो. कॉमेडियन में मुझे मुनव्वर ज़रीफ़ और लहरी दो पसंद थे. कॉमेडियन में मुनव्वर ज़रीफ़ और लहरी साहब का जवाब नहीं थे, वो डायलॉग से मारा फंसाते अच्छा. थे लोग अच्छा क्या अच्छे अच्छे डायलॉग्स खुद करते थे. और मुनव्वर ज़रीफ़ की क्या बात आपको बहुत फैसिनेट करती है. मुनव्वर ज़रीफ़ इतने पॉपुलर थे मगर जब स्टूडियो में आते थे भाभी, मुझे भाभी भाभी करके, और इतनी पोलाइटली बातचीत, उनकी जो रवैया था वेरी पोलाइट था, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि देखो इतना बड़ा आर्टिस्ट है मगर उसमें कोई प्राउडनेस नहीं है या कोई किसी से बदतमीजी करना, कोई कुछ कुछ नहीं था. बहुत अच्छा इंसान. ये एस सुलेमान साहब की फिल्म थी ना जो आपने की थी उनके साथ. जीनत. अच्छा आप जिस वक्त मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की डेथ हुई, ही वाज अराउंड 36, बहुत जल्द, तो क्या आपके क्या तासुरात थे और इंडस्ट्री के क्या तासुरात थे. इंडस्ट्री तो समझ ले थे ख़त्म हो गया, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ़ के उसमें एक नाम था ना कि उन्होंने सोचा ख़त्म हो गया, कॉमेडियन कोई नहीं है. लहरी साहब, लहरी साहब मुनव्वर ज़रीफ के बाद उन्होंने ये सोचा कि कॉमेडी ख़त्म हो गई है कि कोई नहीं, जो है रंगीला है वो है मगर वो बात नहीं, वो बात नहीं है. वो इतने उठपटक काम करते थे वो हमें पसंद नहीं आते थे ना उसका कोई.
बहुत ओवर एंड इतने उठपटंग, कोई सेंस ही नहीं. कोई टाई बात कर रहे, हीरो के टाई लेके चबा रहे इस तरह ना. ऑल फनी नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगता. आपके अपनी अपनी फीलिंग्स क्या थी जब मुनव्वर जरीफ साहब की डेथ हुई? फीलिंग्स मुझे भी वही था कि अब कॉमेडी कौन करेगी, अब कॉमेडी कौन करेगा. इतना अच्छा, इस तरह फिर कौन आएगा. अब उस वक्त तो कोई नहीं था, फिर लहरी साहब आए थे. मैडम एक सेकंड, मैडम उन्होंने वो यानी कॉमेडियन से हीरो लोगों ने उन्हें और इंडस्ट्री ने बनाया था, तो आप ने उन्हें एक्सेप्ट किया था एज हीरो? हाँ, मैं अगर फैसल को जावेद शक को इन लोगों को कर सकते, व्हाई नॉट. वाह वाह वाह, व्हाई नॉट. ठीक सही, जावेद से चबाया था, कितना स्लिम और लंबा जावेद से का वाका में, अच्छा वर्टिकल मुंह था. मगर जावेद से अभी भी वो बात याद रखो, वो कहता भी है कि वो चिढ़ते हैं ना आपको, तो और वो कहता भी अभी भी कहता है कि मैं शब्द बेगम के लिए मैं हीरो बना. मैं एक दफा फ्लॉप हो गया, फिर दूसरी दफा आया.